सत श्री अकाल जी सारे, आज हम बनाएंगे चिकन राइस, लेकिन इसे बनाएंगे थोड़ा सा जल्दी एक्सप्रेस मेथड से। तो करेंगे क्या, हम चिकन को पहले मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। तो उसके लिए डालेंगे आधा किलो चिकन के अंदर थोड़ा सा दही, दही के साथ जाएगी इसके अंदर हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च अच्छे रंग के लिए, और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक फ्लेवर, जिसका कि डोमिनेंट फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स करके हमने मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना, ज़्यादा देर के लिए नहीं। मीनवाइल हम बाकी का मसाला तैयार कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एक फाइनली चॉप्ड अनियन हमने भून लेना है तेल के अंदर, तो एक चौड़ी सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर, ताकि चिकन अच्छे से भुनाई हो सके। तो इसलिए अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, उसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, ताकि जो मॉइस्चर है वो इजीली रिलीज हो जाए और भुनाई आसानी से हो जाए। आलू डालने का फ़ायदा ये होगा कि आलू के अंदर जो चिकन का एक्स्ट्रा फ्लेवर होगा, जो मॉइस्चर होगा, वो इसके अंदर रिटेन हो जाएगा और एक अच्छा फ्लेवर आलू के अंदर भी आ जाएगा। चिकन ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, चिकन को थोड़ी देर के लिए चला लेंगे ताकि नीचे कुछ ना लगे कढ़ाई के साथ। तो क्या करेंगे, एक बार हमने इसको अच्छे से चला लिया है, सबके साथ मसाला लग गया है, तो रिड्यूस कर देंगे फ्लेम, इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन का अपना मॉइस्चर रिलीज हो जाए और अपने ही मॉइस्चर में कुक हो और आलू भी फ्लेवर हो जाए। अब मीनवाइल हमने साइड बाय साइड चावल कुक कर लेने, चावल को सिर्फ 50% ही पकाना है, ताकि जो इनके अंदर मॉइस्चर है चिकन का वो एब्जॉर्ब हो, उसका भी फ्लेवर इसके अंदर आए। सो पानी को कर देंगे डिस्कार्ड 50% तक इसे कुक करने के बाद, उसके अंदर से मॉइस्चर पूरा रिलीज हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को एक बार चेक कर लेंगे और उसे चला लेंगे, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे राइस को। अब होगा क्या कि जो बची कुची कसर है 50% तक, वो इस मॉइस्चर के अंदर ही पूरी हो जाएगी, इस कढ़ाई के अंदर पूरी हो जाएगी। तो इसको खटाई देने के लिए अच्छी हमने आमचूर डाला है, थोड़ा सॉल्ट डाला है ताकि सॉल्ट बराबर हो जाए, और अब डाल दें मैंने इसके अंदर धनिया, हरी मिर्च और साथ में एक चम्मच देसी घी का, एक अच्छा सा ही फ्लेवर आ जाएगा पूरे चावल के अंदर। तो चावल आपके भकभके नहीं बनेंगे, उसके अंदर भी बढ़िया फ्लेवर आएगा। चावल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया, रिड्यूस कर दीजिए फ्लेम दोबारा से, और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए सिर्फ 10 मिनट के लिए। बस थोड़ी देर के लिए इसकी स्टीम करवानी है, ताकि हो क्यों कि इसके अंदर भी, हमारे चावल के अंदर भी अच्छा फ्लेवर हो जाए। तो बस इसको बस स्विच ऑफ करने के बाद इसे हम चेक कर लेंगे, इसे अच्छे से शफल कर लेंगे। सो अब आप जब खाएंगे इस चावल को तो आपको पूरा फ्लेवर आएगा। सो चावल हो गया रेडी, चिकन राइस का एक्सप्रेस मेथड। आई होप आपको पसंद आया हो, आप भी ट्राई कीजिएगा घर पे और शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सुखी प्यार दी पुखी, विल कम बैक अगेन विद अनदर वीडियो।